हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 55 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में इस स्टॉक में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक टॉप हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 131 रुपये। 131 रुपये ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक का नीचे के देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 98 रुपये। 98 रुपये इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है तो इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलेगी और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं अराउंड 98 रुपये का। और यहाँ से इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म टारगेट 104 रुपये और सेकेंड टारगेट 107 रुपये तक के देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 95 रुपये के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 120 रुपये और 140 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर एक दबाव देखने को मिलाएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।